सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रेणुका हायस्कूल सातारा परिसर औरंगाबाद। मैं सहशिक्षक श्रीहरालय भूमि विषय हिंदी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं लेक्चर नंबर 22 टॉपिक नेम श्रम साधना। इस पाठ का शेष भाग का आज हम अध्ययन अध्यापन करने वाले हैं। तो देखेंगे प्रत्यक्ष रूप में पाठ का शेष भाग। वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेंगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं, याचक याचना करने वाले दीन यानी गरीब की तरह नहीं, सम्मानपूर्वक लाभ उठाएंगे। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, यानी वस्तु का उत्पादन करने के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेंगी। तो इस प्रकार देश में उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेंगी, बचत भी नहीं होगी, यानी स्वार्थ के लिए कुछ अवसर व्यक्ति को देने ही होंगे। अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी। देखिए, जो पूंजी है यानी संपत्ति है वो गरीबी या बेकारी की जो समस्या है उसे दूर नहीं कर सकी है। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। देखिए, इस नैतिक दृष्टि से भी जो स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। देखिए, जब हम अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं तो दूसरे कई लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है, उसी में से स्पर्धा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकते हैं। देखिए, स्पर्धा आज दुनिया में चारों तरफ सभी जगह स्पर्धा देखने को मिलती है। अगर कोई सरकारी पद भरना हो और उसका इश्तिहार समाचार पत्र में आ जाता है, अगर कोई 100 सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करनी है सरकार को, तो वहाँ पर कई लाखों लोग उपस्थित हो जाते हैं, यानी वहाँ पर स्पर्धा बढ़ती है। सिर्फ 100 लोगों का काम होता है, बाकी लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आज जगत में जगह जगह स्पर्धा देखने को मिलती है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादक की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। उसी में से स्पर्धा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े लोग ही लाभ उठा सकते हैं, बहुसंख्यकों को तो हानि ही पहुंचती है। मानवोचित सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय
चलता है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर क्या हमें आखिर में देखना है कि समाज का जो कल्याण है वो किस वृत्ति से होगा। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हो, तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? प्रश्न चिन्ह है। समाज तो परोपकार के वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठा हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात चली है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले। अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। जो धनिक लोग हैं, जिनके पास बहुत संपत्ति है, उन पर कर लगाना, और जो कर इकट्ठा हुआ है, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? यानी भारत बहुत बड़ा देश है और भारत जैसे देश में इस बात का बन पाना संभव है? प्रश्न चिन्ह वहाँ पर प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार उसे पराधीन रहना ही होगा। देखिए, मनुष्य किसी न किसी के रूप में पराधीन हुआ रहता ही है। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। बताया गया है, हम शरीर श्रम नहीं करना चाहते, वरना उसे हीन दृष्टि से देखते हैं। देखिए, समाज में, हमारे भारतीय समाज में कोई भी शरीर श्रम नहीं करना चाहता है, और जो शरीर श्रम करता है उसे हीन दृष्टि से समाज देखता है। और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में ही हीन दर्जे का मानते हैं। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। देखिए, अमीर हो या गरीब हो, कोई भी शरीर श्रम नहीं करना चाहता है। धनिक अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चला लेता है। गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। गरीबों को पेट है, वो पेट भरने के लिए उसे श्रम करना पड़ता है। हमें यह वृत्ति बदलनी चाहिए और हमें जो वृत्ति है वो बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना चाहिए। उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए, और जो शरीर श्रम करता है उसके प्रति हमारे दिल में प्रेम होना चाहिए। आज श्रमिक भी
कर्तव्य परायण नहीं रहा है। देखिए जो शरीर श्रम करता है वह श्रमिक भी अपने कर्तव्य परायण नहीं रहा है। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ में है। जो श्रम करता है श्रमिक, यानी श्रमिक के हाथ में ही श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। देखिए जो शरीर श्रम करता है उसने अगर प्रामाणिक रूप से शरीर श्रम किया और श्रम को ही सर्वोपरि मान लिया तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। जल्दी ही भारत देश में आर्थिक क्रांति हो सकती है। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया। उनकी मान्यता के अनुसार, यानी महात्मा गांधी जी के मान्यता के अनुसार, हर एक को नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। हर एक को कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना चाहिए और श्रम करने के बाद उत्पादक चीज बननी ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। देखिए अब कुछ समय से यानी जगत के सामने दया की जगह, यानी दया की जगह समता का विचार आया है कि सभी लोग समान हैं। यह विषमता कैसे दूर हो, यानी समाज में जो विषमता है वह विषमता कैसे दूर हो। कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया है और आतंकवादी उग्रवादी ये देखते हैं हम, हिंसा का मार्ग उन्होंने ग्रहण कर लिया है। उसमें अनेक बुराइयाँ निकली और उसमें जो हिंसा का मार्ग है उसमें अनेक बुराइयाँ निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी है। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है। समाज में जो विषमता है वो दूर करने के लिए हमारा कानून भी हमें मदद करता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। महात्मा जी ने यानी महात्मा गांधी जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, यानी किसी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, यह अहिंसा की विचारधारा हमें महात्मा गांधी जी ने दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकना संभव है। यानी जो अहिंसा का मार्ग भारत देश ने अपनाया है उसी के आधार पर भारत देश में जो विषमता है वह भी दूर हो सकती है। इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए, यानी धनिक लोगों ने पूरा सहयोग देना चाहिए कि उनके पास जितना धन इकट्ठा हुआ है, जितना उनको जीवन जीने के लिए धन चाहिए उतना उन्होंने अपने पास रखना चाहिए और बाकी जो धन है वो समाज कार्य में लगाना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता
आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। तो यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। इस पाठ के जो कठिन शब्द है वो देखिए, तत्ववेत्ता यानी तत्वज्ञ, हुकूमत यानी शासन, दफा यानी बार मर्तबा, और उसके बाद मुहावरा, गुजर बसर होना, आजीविका चलाना। तो इन कठिन शब्दों का अर्थ हमने देख लिया है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 24, टॉपिक नेम ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इस पाठ का बाद में हम अध्ययन अध्यापन